press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लोको पायलट की, जो नई 26,000 भर्तियाँ भारतीय रेलवे में आई हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे क्लियरली आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइबर के ऊपर कोई खर्चा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नहीं आता है। तो आप बिना किसी डर या बिना किसी झिझक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का ये जो वीडियो है ये लोको पायलट की वैकेंसी के ऊपर है जो रेलवे में आई है। ये वैकेंसी सिर्फ टेक्निकल कोर्स वालों के लिए है। इसमें दो तरह की वैकेंसी रेलवे ने दी है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन को फॉर्म को भरने के लिए आप कौन कौन से एलिजिबिलिटी को रखते हैं तब भर सकते हैं ये बताते हैं। यदि आपने बीए या एमए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने बीए या एमए किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आपने 12वीं क्लास करी है, 12th क्लास आपने पास करी है लेकिन उसमें फिज़िक्स और मैथ्स नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी 12th क्लास विदाउट फिज़िक्स एंड मैथ्स वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब यह है कि बीटेक वाले क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो ये देखने के लिए कि बीटेक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपने बीटेक किया है सिविल में, सीएस में या आईटी में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो कौन भर सकते हैं? भरने वाले हैं इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बीटेक किया है, मैकेनिकल में आपने बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीटेक किया है या ऑटो में आपने बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी बीटेक सिविल, सीएस और आईटी वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि 10+2 PCM वाले जिन्होंने ना तो ITI किया है और ना डिप्लोमा किया है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि 10+2 PCM वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ दो वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जिसमें 10+2 PCM लिया हुआ है विदाउट ITI और विदाउट डिप्लोमा। तो सारे वैकेंसीज में वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन दो वैकेंसीज ऐसी हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो दो वैकेंसीज कौन कौन सी है जिसमें आप 10+2 PCM के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि बेसिकली इस फॉर्म को भर कौन सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपने 10th+ ITI यानी मेट्रिकुलेशन प्लस ITI किया है या फिर आपने 12th+ ITI किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने 12th+ apprentice किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन डिप्लोमा और बीटेक में जो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो अगर किसी ने किया है कि ब्रांच से किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने बीटेक या डिप्लोमा सिविल, सीएस या आईटी से किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट हमारी 3 तारीख को इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है, 3/2/2018, और फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख इन्होंने दी है 5/3/2018।
रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 5/3/2018 के रात के 23:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है इस वैकेंसी के लिए, वो CBT है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका अप्रैल या मई 2018 में कभी भी हो सकता है। टेंटेटिव डेट्स आएंगी, अलग अलग डेट्स अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलेंगी। और जो अदर स्टेजेस हैं एग्ज़ाम्स के, वो RRB की वेबसाइट पे आपको मिल रेगुलरली अपडेट होते रहना पड़ेगा और आपको ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी वैकेंसीज बेसिकली क्या हैं। तो पहली वैकेंसी हमारे को मिली है असिस्टेंट लोको पायलट की, इलेक्ट्रिकल में। इसके लिए हमारे के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन हमारे को बताई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हेट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एंड मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। या फिर आप मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन ट्रेड मेंशन अबाउ, अगर आप इन ऊपर वाली ट्रेड्स में अप्रेंटिस किया हुआ है प्लस 10वीं और या 12वीं की हुई है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आप मैट्रिकुलेशन प्लस SSLC का मतलब 12th प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, और ट्रेड्स हमने आपको बताए हैं अभी ये वाले, इन ट्रेड्स से अगर आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अगर हम आप दूसरी वैकेंसी की तरफ जाएं, दूसरी वैकेंसी भी असिस्टेंट लोको पायलट की है, मैकेनिकल में है। तीसरी वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 3 आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रिकल। चौथी वैकेंसी है हमारी टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ इंजीनियरिंग। पांचवी वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ मैकेनिकल। छठी है टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ मैकेनिकल। अब हम बात करते हैं कि 12th बेस पे, अगर आप PCM से 12th बेस पे हैं, तो आप कौन सी वैकेंसी बेसिकली भर सकते हैं। तो उसमें हमारे लिए ये दो वैकेंसीज हैं, 70 और 71, टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। इसके अंदर जो इन्होंने क्वालिफिकेशंस हमारे से मांगी है वो है मैट्रिकुलेशंस SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, वायरमैन। या फिर मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव, जो भी हमारे ऊपर ट्रेड्स हैं वो सारे उसमें देखे। प्लस यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो यहाँ पे ये एक वैकेंसी ये 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, और एक वैकेंसी यहाँ पे नीचे वाली है 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। इन दोनों वैकेंसीज को आप, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से अगर आपने इंटर किया है और बाकी आपने ITI वगैरह नहीं किया है, तो आप ये दो वैकेंसीज को आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस मैं आपको मैं दोबारा बता दूं कि 70 और 71 नंबर पे ये वैकेंसीज आपको अपने नोटिफिकेशन में दिखाई दे जाएंगी, टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। तो
ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपने अभी तक अभी हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक आप अपनी लाइक जरूर दें और कमेंट्स भी जरूर करें। धन्यवाद।